हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर एकेडमी खन्ना पंजाब। तो आज मैं आपको ईसीएम को कैसे ओपन करते हैं, मेरे पास ईसीएम आया है, कमिंस का ये ईसीएम है। ये ट्रक्स में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है इस ईसीएम के अंदर, ट्रक बस में बहुत ज़्यादा ये ईसीएम आ रहा है और फॉल्टी भी हो रहा है। तो इसको ओपन करने में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या मैकेनिक हैं जो इसको खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ज़्यादातर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको ओपन करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये खोलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब हम स्क्रू ओपन कर लेते हैं, चारों स्क्रीन ओपन करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ पे डाल के ओपन करते हैं। तो होता क्या है, पेस्ट लगने के कारण यहाँ से ये कॉर्नर टूट जाता है, फिर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, सभी तरफ से ये यहाँ से ये ओपन नहीं होता। अगर करते हैं तो अंदर प्लेट में फॉल्ट आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉर्नर है, ये ग्राइंडर से हम इसको काट देंगे। काटने के बाद कैसे होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए जी, हम लोग अब आगे आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा भी कर दोगे कोई बात नहीं, ये मैंने ईसीएम ग्राइंडर के साथ यहाँ से काट दिया। काटने के बाद आपको ऐसे मिलेगा, ये काटने के बाद ये आपको ऐसे मिलेगा, और यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर डालकर इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। इधर से आप इधर भी कर सकते हो, ऐसे जितना अंदर डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपको इस तरीके अंदर नहीं इसको डालना। अगर ऐसे डालोगे तो यहाँ पे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है और आपके आईसी हैं, रेजिस्टेंस है, कोई भी यहाँ से टूट सकती है। ये गलती नहीं करनी, हमने यहाँ से इस तरफ को डाल के ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा आगे इसको ओपन करने के लिए, ये जो पॉइंट्स हैं ये देखिए, इसके नीचे ये लगे हुए हैं। यहाँ से आपको कभी भी स्क्रू ड्राइवर डालकर ऊपर नहीं उठाना जब तक इसको डिसोल्डर नहीं कर लेते। इस पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को आपको डिसोल्डर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो प्लेट ये टेढ़ी हो सकती है और अंदर से आपका सर्किट टूट सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखे, पहले इसको डिसोल्डर करना है, उसके बाद हम इसको, ये मेरे पास पहले किसी ने ट्राई करके भेजा है, तो इसमें क्या होता है यहाँ से ये टूट जाता है। इसको टूटने से बचाने के लिए आप इसको प्रेस के ऊपर रख के भी खोल सकते हो। तो ये था हमारा आज कमिंस का ईसीएम कैसे ओपन करें। हमारे यहाँ पे हम लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग देते हैं एकेडमी के अंदर, मीटर रिपेयर, की मैचिंग, और कोई भी मॉड्यूल हो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। कोर्स की डिटेल अगर किसी को चाहिए तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकता है। हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। ओके, थैंक यू।